प्यारे बच्चों, ये चैप्टर 5 की मिसलिनियस एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम सी ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3 बाय 2 बटा डी 2 वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये प्रूव करना हमने, इसमें जो इसे सॉल्व करेंगे तो ए एंड बी से वैल्यू बीच में नहीं आएगी, ए और बी की वैल्यू। लो देखते हैं, डिफरेंशिएट करके पहले डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेते हैं, फिर डी टू वाई ओवर डी एक्स वो इसमें पुट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपने लिख लेना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर। इसकी डिफरेंशिएशन टू आगे चल जाना, टू इंटू एक्स माइनस ए, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए प्लस इसकी डिफरेंशिएशन होगी टू इंटू वाई माइनस बी, फिर भी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी। चेन रूल लगता है, ये तो कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो होगी। तो इसे सॉल्व करेंगे आप, टू इंटू एक्स माइनस ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये तो होगा वन, ए की जीरो, प्लस टू इंटू वाई माइनस बी इंटू इसकी डी वाई ओवर डी एक्स, तो अगर ब्रैकेट में डालें तो बी की कितनी होगी, ये कांस्टेंट है ना, जीरो इज इक्वल टू, एक स्टेप और कर लेते हैं, टू इंटू एक्स माइनस ए वन माइनस जीरो वन, वो तो लिखने की जरूरत नहीं, टू इंटू वाई माइनस बी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये बन गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इंटू एक्स माइनस ए, तो ये टू इंटू वाई माइनस बी नीचे आ जाएगा, टू इंटू वाई माइनस बी ये कट गया, तो ये वैल्यू आ गई माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस ए बटा वाई माइनस बी, तो ये तो वैल्यू आ गई डी वाई ओवर डी एक्स की। अब हमने डी टू वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिख लेना आपने, ये बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर निकाल लो, जहां लगेगा डिवीजन का रूल डिफरेंशिएशन का, डिनोमिनेटर जहां स्क्वायर होता है वाई माइनस बी डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाई माइनस बी। तो अब इसे करते हैं सिंपलीफाई, ये तो आ गया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया वाई माइनस बी, इसे डिफरेंशिएट करोगे ना डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स ये तो है ना वन, ए जी जीरो आ जाना, ये तो मैं सीधा ही लिख दिया। अब इस कहने का मतलब वन माइनस जीरो तो वन ही होता है ना, माइनस एक्स माइनस ए, तो इसका डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, बी तो जीरो है ना, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस जीरो तो वो यही वैल्यू रहनी है। तो अब डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये निकाली हुई है, ये जहां पुट कर देते हैं, माइनस
वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, जे निकाली माइनस एक्स माइनस ए बटा वाई माइनस बी, जे ब्रैकेट क्लोज, जे ना जहाँ ब्रैकेट थोड़ी चेंज कर देते हैं, जे करली ब्रैकेट कर दो जहाँ, बटा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये बन गया वाई माइनस बी, ये बन गया माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस ए है ना, ये भी एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया ना जी, बटा वाई माइनस बी, ये तो काम खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये ब्रैकेट होगी क्लोज, बटा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको ना अगर सिंपलीफाई करें हम, माइनस ये एलसीएम आ जाएगा वाई माइनस बी, तो ये वाई माइनस बी नीचे चल जाना, मैं सीधा नीचे लिख देता हूँ, कैसे, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर तो है ही है नीचे, तो ये एलसीएम लेके वाई माइनस बी तो नीचे चल जाना ना, तो ये वाई माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये बन जाना वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्केयर होल स्केयर है, जहाँ होल स्केयर कर लो, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का होल स्केयर है, प्लस एक्स माइनस ए का होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस। अब ध्यान से देखो, जो एक्स माइनस ए का होल स्केयर प्लस वाई माइनस बी का होल स्केयर आगे पीछे लिखी हुई है, ये किसके बराबर है, सी स्केयर के बराबर है, जहाँ सी स्केयर लिख देंगे, सी स्केयर बटा वाई माइनस बी, ये बेस एक जैसे हैं तो पावर ऐड होगी तो क्यूब बन गया, ये वैल्यू आ गई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर की। अब ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू डी टू वाई ओवर डी एक्स वाली, तो डी वाई ओवर डी एक्स वाली जहां पुट करेंगे, लो ये वैल्यू मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दी है, वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर रेज पावर 4 रेज पावर 3/2 बटा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने जे निकाली है माइनस एक्स माइनस ए ब्रैकेट में बटा वाई माइनस बी ब्रैकेट में, तो पर जहाँ लिख देते हैं माइनस है ना, तभी मैंने कर्ली ब्रैकेट डाल दिया है, माइनस एक्स माइनस ए बटा वाई माइनस बी, तो जे ब्रैकेट कर्ली बंद कर दो तो स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो, तो जहाँ कर्ली ब्रैकेट में ना जहाँ स्केयर डालना, तो होल ब्रैकेट में बाहर 3/2 है, बटा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केयर की वैल्यू ये निकाली है ये नीचे, माइनस सी स्केयर बटा वाई माइनस बी का होल क्यूब, ये लिखते हैं माइनस सी स्केयर बटा वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं, लो जरा ध्यान से देखो कैसे करना है इसे सिंप्लीफाई, ये वन है ना, वन प्लस ये माइनस है ना, इसका होल स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाना, ये बच गया हमारे पास एक्स माइनस ए बटा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ ये ब्रैकेट डाल लो कर्ली डाल लो, तो बार पावर आ गई 3/2 बटा नीचे है माइनस सी स्केयर बटा वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब करते हैं सिंपलीफाई, तो ये होल स्केयर अलग अलग कर देते हैं, जहां ही लिख देता हूँ आगे ना,
ये बन जाएगा वन प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बटा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है ना, इसका अलग अलग लिख सकते हैं। होल पावर 3/2 है बटा माइनस सी स्क्वायर बटा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे तो ऐसे लिख दिया इक्वल टू। अब इसका एलसीएम लेते हैं जरा, तो जे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो जे बन जाना वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाना वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर की पावर 3/2, होल पावर 3/2 बटा, ये बराबर है जहां डाल लो, माइनस सी स्क्वायर बटा वाई माइनस बी का होल क्यूब। ये जो स्क्वेयर ब्रैकेट है ना डिनोमिनेटर तक है, ये वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर भी बीच में कवर करना है, उसकी पावर भी जो डिनोमिनेटर उसकी पावर भी ये 3/2 है, होल पावर 3/2 चल रही है ना ऊपर देख रहे हो आप। तो आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल टू जे वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर जे है सी स्क्वेयर के बराबर, पहले भी हमने पुट किया था। ये देखो एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे सी स्क्वेयर, तो ये बन गया सी स्क्वेयर। नीचे वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर होल पावर 3/2, नीचे डिनोमिनेटर इक्वल टू जहां कर लो माइनस सी स्क्वेयर बटा वाई माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू। अब ये पावरें अलग अलग कर देते हैं दोनों की, सी स्क्वेयर की पावर बन गई ये 3/2 बटा वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर की पावर भी बन गई 3/2 बटा, नीचे तो वैसे लिख देना माइनस सी स्क्वेयर बटा वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो ध्यान से, इक्वल टू जे टू से जे टू पावर कट गई डिनोमिनेटर में ना, ये तो बच गया सी क्यूब। अब जे टू पावर 3/2 है, 2 × 3/2 होता है, जे कट गया तो क्यूब बच जाना, ये बच गया वाई माइनस बी का होल क्यूब बटा, इक्वल टू जहां चाहिए नीचे आ गया माइनस सी स्क्वेयर बटा वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब इसको जरा ध्यान से देखो, ये है ए बटा बी बटा सी बटा डी, तो आपको पता है जो डी है वो न्यूमरेटर में चल जाता है, तो कैसे लिखते हैं ए बटा बी बटा सी बटा डी को, कैसे लिखते हैं ए इंटू डी बटा बी इंटू सी। बस अब वाई माइनस बी की होल वाई माइनस बी का होल क्यूब ऊपर चल जाएगा, ये बन जाना सी क्यूब इंटू वाई माइनस बी का होल क्यूब बटा जे वाई माइनस बी का होल क्यूब, ये तो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, इंटू ये माइनस है माइनस सी स्क्वेयर, तो जे तो क्यूब वाई माइनस बी का होल क्यूब वाई माइनस बी का होल क्यूब ये तो कट गए, जे सी क्यूब है ये है सी स्क्वेयर, तो जहां इन दो पावर कट जानी इसके साथ तो कितना रह जाना जहां माइनस सी, ये सी स्क्वेयर पावर से कट जाएगा कला सी रह जाना, पावरें सब्ट्रैक्ट होती है तो ये माइनस सी बचना। तो यही हमने प्रूव करना था, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ
ये क्या है कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो जी आंसर आ गया, यही प्रूव करना था।